कांग्रेस कमेटी के। देखिए इसमें कोई झटके की बात तो है नहीं, ये लोग आए बीजेपी से थे, इनका बैकग्राउंड बीजेपी का ही था, दोनों के दोनों विधायक बीजेपी से आए थे। जब वे पार्टी में आए, पार्टी में इनको टिकट भी दिया गया, मान सम्मान भी दिया गया, एक को तो वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया पार्टी में, और आज ये किस डर से, किस खौफ से और किस वजह से दूसरी पार्टी में गए हैं, वो इनकी उनकी ही अंतरात्मा जानती होगी। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी के पास काफी और भी नेतागण हैं जो कांग्रेस से अप्लाई करेंगे, और दे आर ऑल्सो इन द कैपेसिटी टू विन दो सीट्स, चाहे वो कांगड़ा की बात लें, चाहे वो आप नालागढ़ की बात लें। तो ऐसा लगता है मुझे कि उनसे, उनके जाने से बहुत ज्यादा हमको झटका नहीं पहुंचा है, हमको लगा है कि हम पहले भी इस बात का अनुमान लगा रहे थे कि ऐसा हो सकता है, तो अब उन्होंने करके ही दिखा दिया। तो अब ठीक है, हमारे पास दूसरे कैंडिडेट्स हैं, हम उनको टिकट देंगे और वो दे विल विन दो सीट्स। चुनाव जीतेगी इस तरह से, जो ये कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उसका असर नहीं होने वाला? मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा भारी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, एक नेशनल न्यूज आज जरूर बनी है कि दोनों ने जाकर बीजेपी ज्वाइन किया, दैट इज नॉट ऑल दैट इम्पोर्टेंट। वी हैव टू सी, वी हैव मेनी अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो, लाइक नालागढ़ में वी हैव अ वेरी इम्पोर्टेंट कैंडिडेट हु कैन विन द इलेक्शन। सो ठीक है, वी उनको हम आगे करेंगे, और भी लोग अप्लाई करेंगे, उसमें भी देखा जाएगा कि किसमें पोटेंशियलिटी है, कौन जीत सकता है, वहां से उनको टिकट दिया जाएगा। उसी तरह से कांगड़ा में भी कोई हमारे पास लीडर्स की कमी नहीं है, वहां से भी अच्छे पार्टी वर्कर्स रहे हैं, अच्छे पार्टी के अहदेदार रहे हैं, उनको हम आने वाले समय में टिकट देंगे। और मुझे विश्वास है कि इन सरकार की नाकामियों की वजह से लोग दोबारा से कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस को जिताकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बनाएंगे। लेट द टाइम कम, लेट अस सी व्हाट द सिचुएशन इज, लेट अस सी कि हु वांट्स टू गो, देन वी विल हैंडल दैट सिचुएशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, अभी तो हम उसका अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जब होगा तब देखी जाएगी, तब हम उस पर निर्णय लेंगे, तब हम फैसला करेंगे कि क्या करना है। इन चुनाव